बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज आपका फ्रैक्शन का टेस्ट है। लास्ट वीक में हमने आपको जो है, मैंने आपको क्या करवाया था फ्रैक्शन से रिलेटेड? हमने कुछ जी जी क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर? नो, ये तो हमने बहुत पहले कर लिया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं किया था हमने? क्या हो गया है? क्योंकि उस दिन भी मैंने आपका टेस्ट लेना था तो आपने कहा कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी नहीं किया हुआ, इसलिए हमने फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया था। आज आपका जो है ये टेस्ट है। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, जो लेफ्ट साइड पे बनाया गया है। अली इज 3/8 पार्ट्स ऑफ आ ब्रेड, नीचे उसकी डायग्राम भी बना दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसी की से रिलेटेड है ये, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। सबा इट्स 5/8 पार्ट्स ऑफ अ ब्रेड, ठीक है, नीचे उसकी डायग्राम है 5/8 की। क्वेश्चन बेसिकली है आपका, हु ईट मोर ब्रेड एंड हाउ मच? हु ईट मोर ब्रेड एंड हाउ मच? हु ईट्स तक तो आपका जो है ये क्लियर है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि किसने खाई ज़्यादा। इसमें से आपने सॉल्व क्या करना है, इस क्वेश्चन में से कि आपने फाइंड आउट करना है हाउ मच, कितनी ज़्यादा खाई है उसने। तो क्या करेंगे इसको, किसको समझ आ रही है क्वेश्चन की? हैंड रेज कीजिए जल्दी से जी, हैंड रेज कीजिए जी जी। बेटा क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हम, ये नहीं बताना क्योंकि ये तो फिर सबको समझ आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए बताइए मुझे कौन सा बच्चा आएगा। देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तकरीबन आपकी 2 ग्रेड से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। उसमें मैंने आपको बड़ा वाजे तौर पे समझाया भी है बहुत इजी करके, जब भी स्टेटमेंट आए उसको आपने अच्छी तरह से उसकी रीडिंग करनी है, देन देखना है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। जहाँ पे भी आपका हाउ मच या लेफ्ट का आपका आ जाए, वहाँ पे आपने उसके जो भी फिगर्स होंगे उनको आपस में क्या करना होता है, फिर हाउ मच या लेफ्ट, ये दो वर्ड्स यूज़ होंगे लास्ट में जब आपने एक चीज़ करनी होगी तो क्या करना होगा जी मूसा? शाबाश, सिर्फ एक ही बच्चे का दिमाग काम कर रहा है इस वक्त। आ जाओ इधर जी, जी क्या करेंगे, स्पीड टेस्ट कर लें क्या बस बेटा? अभी जब बोर्ड बन रहा था तो सारे के सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम इतना इजी बोर्ड है, हमने तो सारा कुछ आता है, यही कह रहे थे ना आप लोग अभी। कदम स्टार्ट करें, ऊपर जो स्पेस है ना वहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब तो आपका जो फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा, तब तो उनको सॉल्व करना ही बहुत ईजी हो जाता है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। मुश्किल ये तब होता है जब आपका डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाता है और न्यूमिनेटर भी चेंज होता है। ओके, अब इसमें तो आपका बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, वो एज इट इज़ आप लेंगे, जस्ट न्यूमिनेटर जो हैं उनको आप आपस में आपने देखना है कि आप प्लस माइनस क्या करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जहाँ पे हाउ मच या लेफ्ट का आपका आ जाए वहाँ पे आपने उसको माइनस। ओके, अब जस्ट कैरी करना है आपने क्वेश्चन को, सॉल्व तो मैंने कर दी है बेटा, कहीं भी कर दें कोई इशू नहीं है, कर दें आप। नहीं, इसमें आप 3/8 वो सेपरेट सेपरेट नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं कोई वो नहीं है, लेकिन आप इसको जस्ट इसका लास्ट स्टेप एक जो सॉल्व का है वो कर दें। प्लस प्लस कैसे करोगे? आपने हाउ मच फाइंड आउट करना है कि कितनी ज़्यादा खाई उसने, डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट न्यूमिनेटर को आपस में आपने करना है माइनस। नोमिनेटर को ए श्याम आ जाइए ज़रा सामने, एयान को समझ आ रही है क्वेश्चन की?
एयान को दे दीजिए मार्कर। बेटा हालांकि मैंने सारा आपको बता दिया है कि क्या होना है, जस्ट आपने क्वेश्चन को कैरी करना था, इसके बावजूद आपको नहीं आ रहा। ओवर एट भी करेंगे ना बेटा, नीचे डिनोमिनेटर भी तो लगाएंगे उसका, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना आपका आंसर आना, तो कितनी ब्रेड उसमें ज़्यादा है जी। अब ये भी बताइए कैसे किया आपने, दोनों को, दोनों के नोमिनेटर्स को हमने माइनस कर दिया है, और डिनोमिनेटर चूंकि सेम था तो उसको वन टाइम हमने नीचे किया, और नोमिनेटर्स को आपस में जब माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगी 2/8 या 2/8। ये था आपका हाउ मच का जो आपने आंसर करना था कि कितनी ब्रेड उसने ज़्यादा खाई थी अली ने। इतना सिंपल काम था ये। आ जाइए से अयान सामने आ जाए, सैफ को समझ आई बेटा? देखो आपको मैंने पिछले दिनों में काफ़ी दफ़ा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, सैफ मूसा आप लोगों से बात कर रही हूँ, उसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है कि स्टेटमेंट में आपसे पूछा क्या गया है बेसिकली। अगर तो आपके पास आ जाता है एडिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे अगला हमने बनाया भी हुआ है, बल्कि आप पहले उसी को सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या, मैं आपको बताना क्या चाह रही थी, समझाना क्या चाह रही थी। सैफ आ जाए, सेम पैटर्न है, अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सिंपल इसलिए है कि ये छोटे बच्चों के लेवल के लिहाज से उन्होंने डिनोमिनेटर सेम रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल इसको करने में आनी नहीं चाहिए। आ जाए सर, ऊपर वाला क्वेश्चन करना है बेटा, ऊपर वाला 3/2 जी, 3/7 प्लस 2/7 क्या करेंगे इसको, दोनों का ये बताओ। इधर सैफ मेरी तरफ देखें, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, yes, उसको कितने टाइम पे लेंगे हम, कितने टाइम, कितनी दफ़ा लेंगे, साथ जो यान ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको देखें ज़रा क्या किया उसने, वन टाइम लिया है ना, yes। जब डिनोमिनेटर सेम होता है बेटा तो उसको वन टाइम लेना है, ठीक है, वन टाइम ले लिया आपने, ऊपर वाले दोनों फिगर्स को क्या करना है, तो फिर करें जल्दी से, स्पीड तेज होनी चाहिए। क्या कर रहे हो तू, कैसे हो गया बेटा तू, तो उसका डिनोमिनेटर, उसका न्यूमिनेटर को आप उसके डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, फ्रैक्शन के जितना भी हमने आज तक के जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं उसमें कभी ऐसे हुआ है कि आपका न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए? आ जाएं मूसा आ जाएं, क्योंकि ये आप दोनों सैफ और मूसा का ही बेसिकली ये वर्क है, बाकी बच्चों को तो मैंने एज प्रैक्टिस इन्वॉल्व की है इसमें। सैफ एन आप साथ हो जाए, सैफ जरा देख लो कि वो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, ये होती है स्पिरिट काम करने की, क्या आंसर क्या आया आपका, 2/7 कैसे बेटा, 3/2 है, 3+2 है तो उसको प्लस नहीं करेंगे आपस में, और आप उसका आंसर इधर दूसरी साइड पे उसके पास करके लगाओ, इधर सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं लगाओ आप जी, इसके बराबर पे इक्वल साइन लगाइए, हाँ जी यहाँ पे उलट हो गया इसका डिनोमिनेटर, एक मिनट बुलवाती हूँ आपको,
देखो ना बेटा, थ्री में टू प्लस करो तो कितने होते हैं? फाइव। तो आपका न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए था? क्या हो गया? जो क्यों आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हो काम करते हुए? इतना सिंपल काम। फाइव फाइव सेवन आपका आंसर है। सैफ, कुछ समझ में आया अब? सैफ आपकी डेट शीट आ गई है, फाइनल एग्जाम आपके स्टार्ट हैं नेक्स्ट मंथ से। और अभी आपका कितना वर्क पेंडिंग पे है मैथ का, क्योंकि बीच में छुट्टियां ख़त्म नहीं होती हमारी खैर से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। डायग्राम साथ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आपने करना क्या है। और वैसे भी आपके जितने क्वेश्चंस हैं बेटा, उसमें ज़्यादातर काम जो है वो डायग्राम के साथ ही उन्होंने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हुए हैं। मैं इसीलिए बोर्ड पे एज इट इज़ पैटर्न बनाती हूँ ताकि आप जब पेपर में देखो तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो जाओ कि आपने क्या करना है। सेवन क्या है आपका ये क्वेश्चन, क्या है सैफ बताएंगे? क्या लिखा हुआ है? सेवन बाई एट माइनस टू बाई एट, वो माइनस का साइन गलती से लगा हुआ है, उसको आप एज कर दें। जस्ट वन माइनस आपने कंसीडर करना है जो के नहीं, वो जो टू के साथ है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका सेवन बाई एट माइनस टू बाई एट, समझ आ रहा है कुछ? सिंपली जस्ट आपने उसको सॉल्व करना है, कोई डायग्राम ड्रा नहीं करवानी मैंने आपसे, कोई कुछ नहीं करवाना जी। आ जाए नहीं, सैफ को करने दें बेटा, उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और उसी की बुक में से मैं करवा रही हूँ ताकि उसको समझ आ जाए अच्छी तरह से। क्या ले रहे हैं हम ऊपर, क्या ले रहे हैं सर? दोनों के सेवन माइनस टू दोनों के न्यूमिनेटर्स हैं, उन्हीं को आपस में सॉल्व करना है ना हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है दोनों का? सेम है, तो उसको वन टाइम लेंगे। शाबाश, लिखिए। अब करें जल्दी ये बेटा, सारी जगह आपके लिए ही है, कहीं भी कर दे। जी सेवन में से टू माइनस करें तो क्या होता है? फाइव। लिखें अब कुछ समझ आया? Yes. बेटा ना आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है, ना आपने उसकी कोई पोजीशन किसी और फिगर की चेंज करनी है, जस्ट आपने उसके प्लस माइनस पे गौर करना है कि आप क्या करोगे, उसको प्लस करोगे या माइनस करोगे, और कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। सैफ आ जाइए सामने जाओ, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ ठीक है, जो आप घर से सॉल्व करके लेके आओगे। ये आज की जी ये आज की आपकी असाइनमेंट है इसी से फ्रैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि आज हमने इसका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट करना है सैफ का। कल इंशाल्लाह इसका भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, क्योंकि आपकी फाइनल डेट शीट आ गई है और आपके अभी दो से तीन चैप्टर्स जो हैं मैथ के वो अभी स्कूल वालों ने आपको कुछ भी नहीं करवाया उनमें से, ठीक है? अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक्स ज़रा रेडी कीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं आपने और एज असाइनमेंट उसको सॉल्व करके लेके आना है सुबह, ठीक है? चलें आज का लेसन क्लोज करते हैं बेटा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।